हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि द्विघात समीकरण के बारे में बता दिए थे कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। एक बार हम रिपीट करते हैं फिर से। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल जीरो। इसके अलावा ये भी बताए थे कि ग्राफीय निरूपण इसका जो होता है परवलयाकार होता है, और साथ ही इसके मूलों की संख्या जो होती है वो दो होती है, और इसके जो मूलों की संख्या होता है समुच्च होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्च होता है। आज हम थोड़ा बेसिक में थोड़ा बताते हैं कि कैसे पैराबोला खींचते हैं। तो पैराबोला खींचने के लिए याद रखिए, इसका मुख जो होता है आलेख का वो ऊपरी मुखी या तो अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी उसको बोलते हैं। तो ऐसे हो सकता है, देख लीजिए ग्राफ खींचने का अगर तरीका देखा जाए तो ग्राफ खींचेंगे ऐसे, इसको ये हो गया आपको पैराबोला। या तो ऐसे भी रह सकता है, ऐसे हो गया ये देखिए, उसके बाद ऐसे भी रह सकता है। इसका ग्राफ खींचने के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे भी, ऐसे भी रह सकता है। इसी को कहते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी, और इसको बोलते हैं अधोमुखी। दो टाइप का होता है पैराबोला। ऊपर की तरफ अगर मुख खुला हो उसको कहेंगे ऊर्ध्वमुखी, अगर नीचे की तरफ मुख खुला हो उसको कहेंगे अधोमुखी। तो याद रखिए पैराबोला यही टाइप का था। पिछले वीडियो हम सिर्फ थ्योरी टाइप पर सिर्फ बता दिए थे, वैसे बहुपद में हम बता रखे हैं कि किस बहुपद का आलेख कैसा होता है। अगर रैखिक होता है तो सरल रेखा खींच देते हैं, द्विघात रहेगा तो पैराबोला टाइप का होता है। अब हम लोग आज ज्ञात करेंगे टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे उसका विधि हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में यह भी हमने बताया था कि दो टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक होता है आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इम्प्योर या और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। इसे मुख्य रूप से तीन विधि है, तीन विधि में हम लोग पहले देख लेंगे दोनों का अलग अलग किस तरह से ज्ञात करते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का जो हल ज्ञात करेंगे वो किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फॉर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है याद रखिए दो टाइप का होता है बताए थे, प्योर और मिक्स्ड। आप देखिए प्योर को हम लोग दो विधि से कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि द्वारा, बाय स्क्वायर रूट मेथड वर्गमूल विधि द्वारा। फिर हम लोग चलेंगे मिक्स्ड वाला में, यानी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जानेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, वर्गमूल विधि, दोनों को बारी बारी से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि प्योर का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो, इस टाइप का होता है इसका फॉर्म, वेयर ए डज नॉट इक्वल जीरो। अब इसमें इसको हम लोग गुणनखंड से भी कर सकते हैं ज्ञात, और वर्गमूल से भी ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, पहले इसको देखते हैं गुणनखंड विधि में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल जीरो का हम लोग हल ज्ञात करें, इसको देखिए दोनों मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल विधि से भी और गुणनखंड विधि से। पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड में याद रखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल जीरो। आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल जीरो कर दिए। आप देखिए गुणनखंड पर लाने के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फैक्टराइज फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो। अब इसको क्या करेंगे, अब आप देखिए इसको अगर जीरो के बराबर करते हैं, मान लीजिए कि इफ एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा थ्री, साइड चेंज तो चिन्ह भी चेंज। फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री, हैंस x
एक्स का जो वैल्यू हुआ 3 - 3, आप पिछले वीडियो में बताए भी थे, अगर द्विघात समीकरण कोई भी रहेगा उसका अगर हम लोग मूल निकालेंगे तो मूलों की संख्या कितना होगा, 2। अब 2 देखिए निकला कि नहीं, एक एक्स प्लस 3 में और एक बार एक्स माइनस 3 में निकला है, तो इसका वैल्यू ये हो गया आपको गुणनखंड विधि। अब इसी को देखिए हम वर्गमूल विधि से भी बनाएंगे, ये कौन चल रहा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए आप वर्गमूल विधि से कैसे निकालेंगे, ये देखिए वर्गमूल विधि से अब क्या करेंगे, इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको देखिए वर्गमूल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इसको उधर कर लीजिए 9 और एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट अंडर 9। अब प्लस माइनस क्यों देते हैं ये भी अभी बताएंगे। अब देखिए सो एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट दे देंगे 3। अब इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 प्लस में और 3 माइनस में। अब देखिए दोनों का ये हम लोग गुणनखंड विधि बनाए उसमें भी इतना ही आंसर आया, वर्गमूल विधि में भी बनाए तो उसका भी आंसर इतना ही आया है। अब प्लस माइनस क्यों लगाए ये भी ध्यान दीजिए, प्लस माइनस इसीलिए लगाए हैं, अब देखिए अगर इस वैल्यू को स्क्वायर पर जो होता है ना प्लस और माइनस दोनों का अगर स्क्वायर कीजिए, देखिए प्लस का स्क्वायर कीजिएगा तो भी प्लस और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो भी प्लस। इसका मतलब है कि एक्स के स्थान पर अगर हम लोग प्लस 3 या प्लस माइनस 3 रखते हैं तो उसका मान जो होगा प्लस 9 ही होगा, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही आएगा, और रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाता है तो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर का सेट हो जाएगा, वो मान संभव नहीं होता, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब देखिए आप समझ में होंगे कि प्लस माइनस क्यों लगाया था, प्लस माइनस जो होता है वास्तविक संख्या में तो आता ही है, साथ ही साथ प्लस माइनस देने के बाद ये जो है आपको इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अगर माइनस 3 रखिए तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस 9 तो 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर प्लस रखिए तो प्लस 3 का स्क्वायर तो प्लस 9 होगा ही, और ये 9 माइनस में तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों मान पुट करने पर आ जाता है, वैसे वर्ड क्वेश्चन में ऋणात्मक मान कभी रखते हैं कभी नहीं भी रखते हैं, नंबर जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसके अलावा जो है आपको जब वर्ड क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे कि निगेटिव कब संभव है और कब संभव नहीं है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इसको जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा और वर्गमूल विधि द्वारा। गुणनखंड विधि ये रहा, वर्गमूल विधि ये रहा, वर्गमूल विधि हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकाल कर करते हैं, गुणनखंड विधि में उसको गुणनखंडित करके फैक्टराइजेशन करके तब उसको ज्ञात करते थे, ये मेथड जो है आपको 2 मेथड हुआ। अब हम लोग जानेंगे मिक्स्ड के लिए, मिक्स्ड का भी 2 तरीका होता है, मिक्स्ड का गुणनखंड विधि उसमें भी है लेकिन यहाँ एक बदल जाता है, उसका आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक नया आ जाता है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। अब हम लोग जानेंगे मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं, इसका बताए थे पूर्ण द्विघात समीकरण भी होता है या अशुद्ध। अब देखिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको करते हैं, 2 कॉमन है, उसमें भी आया था फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी है बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग भी इसको हल कर सकते हैं, कंप्लीट मेथड इसको कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब देखिए इसको करते हैं, इस ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, इसका जो व्यापक रूप होता है आप ध्यान रखिएगा, इसका बताए थे व्यापक रूप अगर देखेंगे इसका मिक्स्ड का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब ऐसा है, अब इसमें क्या क्या जाता है, ये जो इस टाइप का रहेगा इसमें मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके या फैक्टराइज करके तब इसको बनाया जाता है। बताएंगे गुणनखंड विधि किस तरह से, एक तो 2 टर्म वाला रहेगा तो आसान है, अगर 3 टर्म वाला रहता है तो 3 टर्म भी एक फॉर्मूला पर भी आ जाता है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर ही बनेगा तो होल स्क्वायर वाला चला जाएगा इसमें पूर्ण वर्ग बना करके बनाने की विधि में, लेकिन जब पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो उस समय क्या हो जाएगा आपको, इसको बीच वाला टर्म को आपको तोड़ करके 2 भाग बांट करके 3 पार्ट है तो इसको 4 पार्ट में बनाएंगे, तब कॉमन लेकर के जैसे कि बहुपद में बताए थे आप लोग को, बहुपद में क्या होता है, बहुपद में भी इसी टाइप का था, इसको बनाते थे फैक्टराइज मेथड से, इसमें भी फैक्टराइज मेथड का प्रयोग करके इसको 2 पार्ट में तोड़ करके तब जाकर के इसको बनाया जाता है, एग्जाम्पल तौर पर भी लिया जाता है, ये
स्क्वायर मेथड जो अभी बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निश्चित रूप से आएगा, तो वो चला जाता है उसमें फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे ए टर्म में पढ़े हुएगा जैसे एक्स स्क्वायर है आप प्लस मान लीजिए कि 14x प्लस 49 है इक्वल जीरो, या इसको कहेगा फैक्टराइज करने के लिए, तो इसको ऐसे करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ना एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे x प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं ऐसा, देखिए यही इसी को दो टर्म में लिख दिए हैं। अगर फार्मूला पर नहीं बैठता है, अगर फार्मूला पर नहीं आ रहा है, तब उसको हम लोग इस तरह से जो है इसको बीच वाला टर्म को बांट करके बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको दो मूल ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण के लिए कर रहे हैं, रैखिक समीकरण में तो डायरेक्ट मान निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा ये फार्मूला के अनुसार ये फार्मूला आ जाता है इस पर। अब देखिए जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मान लीजिए 2 है इक्वल जीरो है। अब ये फैक्टराइज करेंगे, ये फॉर्मूला पर नहीं आ रहा था, इसको बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे, अभी बताएंगे विस्तार से हम बताएंगे, अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको तोड़ करके बताएंगे, गुणनखंड भी सिखाएंगे किस तरह से हम लोग करेंगे और आसान तरीका सिखाएंगे, भारी नहीं लगेगा, एक बार में सीख जाइएगा। आप देखिए इसको अभी तो फिलहाल एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको अगर देखते हैं बीच वाला टर्म तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर, इसको बताए थे बहुपद में बगल वाला को पहले क्या करते हैं गुना कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके करके, अगर गुना करने पर प्लस में आता है तो दोनों को ऐड करके बीच वाला को पूरा करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर गुना करके भी पूरा करते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन लगना चाहिए। गुणनखंड के लिए हम लोग स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल जीरो, एक्स को मान लीजिएगा तो एक्स प्लस 1, 2 को मान लीजिएगा तो एक्स प्लस 1 इक्वल जीरो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों में से भी एक कॉमन आ गया, जो बचा है उसको फिर अंदर लिख दीजिएगा ये कॉमन लेकर के। अब देखिए दो आपको बन गया है दो टर्म, अब अगर मान निकालिएगा तो एक्स इक्वल प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, इसका आंसर यही होगा। ये हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से, अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के बाद हम लोग आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल हम लोग पूर्ण रूप से गुणनखंड पहले सिखाएंगे, उसके बाद ये मेथड सिखाएंगे पूर्ण वर्ग बना करके किस तरह से हम लोग निकालते हैं मूल, वो भी बताएंगे। ये कल मुख्य रूप से काम रहेगा गुणनखंड सिखाना, और गुणनखंड सीख जाने के बाद जो है आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। हम लोग कल जो काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और आसान तरीका बताएंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे, फिर अगले क्लास में।